धुपात्रा और दर्शकों लगातार पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने हेतु मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त समेत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों संग की अहम बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। शहर में नहीं थम रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ, शनिवार को हुई कुल 27 मरीजों की पुष्टि, संख्या बढ़कर हुई 79। और हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत पत्रकारों को किया सम्मानित। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पेयजल की समस्या पर किए गए बैठक की। जी हां, जमशेदपुर में शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने के लिए जिले के उपायुक्त समेत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही जलापूर्ति योजनाओं को शुरू करने में आ रही दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर परिसदन में जिले के उपायुक्त, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलाई नगर पालिका, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जुस्को के अधिकारियों के साथ बैठक की। वैसे इस बैठक में जमशेदपुर पूर्वी में चल रहे मोहरदा जलापूर्ति योजना के अलावा मानगो और जुगसलाई में पेयजल संकट से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले दिनों में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले कदमा, सोनारी, मानगो आदि इलाकों में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम से लेकर नालियों और गलियों की साफ सफाई, चौड़ीकरण और निर्माण पर विस्तार से अधिकारियों से चर्चा की गई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि मोहरदा जलापूर्ति योजना को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि उक्त जलापूर्ति योजना में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिस्को के पदाधिकारियों को DPR तैयार करने का निर्देश भी दे दिया, जिस पर अंतिम मुहर रांची में लगने की बात उन्होंने कही। साथ ही मानगो जलापूर्ति योजना में इंटक बेल तक बिजली पहुंचाने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। वहीं लगभग 2 किलोमीटर पाइपलाइन जो हाईवे निर्माण के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसको भी दुरुस्त करने का निर्देश मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया। करने का उद्देश्य है कि बहुत सारी जो है समस्याएं हैं। एक तो आज हम लोगों ने चर्चा किया मोहरदा जल पेयजल योजना के संबंध में भी चर्चा किया। आदरणीय हमारे पूर्वी के विधायक सरयू राय जी भी बहुत इसको लेके चिंतित हैं। इस विषय को लेके भी हमने जिसको के लोगों को ही बुलाया था, पेयजल डिपार्टमेंट के लोगों को ही बुलाया था। उसमें भी क्योंकि वहाँ पर 4 नाली ऐसी हैं जिस नाली का पानी जो है वो सीधे इंटकवेल को प्रभावित कर रहा है, तो उसमें भी चर्चा किया गया कि ताकि जो है आम लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी भी चिंतित हैं। मैं भी खुद चिंतित हूँ और लोगों को साफ सुथरा पानी मिले ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। इसी के साथ साथ जुगसलाई से लेके मानगो, कदमा, सुनारी, आप जानते हैं कि बरसात आने वाली है। बरसात के पहले जितनी भी नालियाँ हैं वो नालियों को कैसे साफ सुथरा किया जाए, कैसे जगह जगह कचड़े उठाए जाएं और चिकनगुनिया, डेंगू आदि बीमारी के भी संभावनाएं हैं, तो उसको लेकर और अभी जो कोरोना का भी जो शिकायत आ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, तो उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए, उसके लिए भी हमने जो है मानगो नगर निगम को भी, जुगसलाई नगर पालिका को, JNSC को और जिसको प्रबंधन को बुलाया था कि अपने अपने इलाका में कैसे करके ये सैनिटाइज करके हम इसको कंट्रोल करें। इसके लिए साथ ही साथ जो मानगो में बराबर पानी को लेकर NHI द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है। तो दर्शकों, ये तो हुई बात पेयजल समस्या की। और यहाँ आपको बताते चलें कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जी हाँ,
लगातार शहर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी कड़ी में शनिवार को 27 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है, जिनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है। फिलहाल सभी को TMAH के कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। वैसे देर रात तक और भी इस संख्या में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही लॉकडाउन 5 की भी तैयारी चल रही है, जो कि 30 जून तक के लिए जारी हो सकता है। और यहाँ आपको बताएं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर साथ ही इस कोरोना महामारी में अपनी जान को जोखिम में डालकर देर रात कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत पत्रकारों को पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के द्वारा सम्मानित किया गया। साक्ची स्थित कालिया चौक के निकट पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर सारे पत्रकारों को सम्मानित कर उन्हें बधाई दी। वहीं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनके उल्लेखनीय योगदान के प्रति उनका आभार भी प्रकट किया। इस दौरान पूर्व विधायक द्वारा सारे पत्रकारों का हौसला अफजाई भी किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा हो रहा है, तो इस अवसर पर हमारे जो कोरोना योद्धा पत्रकार साथी हैं, जिनके जीवन बीमा को लेकर भी मैंने कई बार मांग रखी है राज्य सरकार के सामने, जैसे कई अन्य राज्यों ने किया है, क्योंकि अभी इस परिस्थिति में जब लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं, सरकार सबको घर पर रहने बोल रही है, हमारे पत्रकार साथी हम तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर उतर कर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी सामाजिक दायित्व है। इसके आज इसके तहत हम लोगों ने हमारे कोरोना योद्धा पत्रकार साथियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया और एक छोटी सी भेंट भी दी है, जो शायद उनको अपने आप को सुरक्षित रखने के काम आएगी। और इधर माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से माहेश्वरी वंश उत्पत्ति दिवस मनाए गए, जहां इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। जहां बस्तुपुर स्थित ब्लड बैंक में लगे इस रक्तदान शिविर में समाज के लोगों के साथ साथ शहर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम लोग का लक्ष्य है कि 150 रक्तदाता आए और इसमें योगदान दें। कोशिश कर रहे हैं, सबको हम लोग अपने माध्यम से बुला रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं और कुछ को डर भी है, लेकिन ये बात अच्छी है कि अभी तक हम लोग ने 60 लोगों का, अभी 2 बज रहा है, 60 लोगों का अभी तक हमने डोनेशन भेज चुका है। उन लोग सबको धन्यवाद और आशा करते हैं कि हम लोग अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। जय माता। ये फर्स्ट टाइम करा रही है, इससे भी पहले करा चुके हैं? ये हमारी 5वीं डोनेशन कैंप है। इससे पहले हम लोग महेश्वरी मंडल में कराते थे और अभी हमारे महेश नवमी के उत्सव में ये हमारा 6ठा रक्तदान शिविर। शुभ नाम। मेरा नाम विशाल ठाकरे, महेश महेश्वरी युवा संगठन का अध्यक्ष। और अब चलते हैं नजर तक के सुर्खियों पर। शहर में पेयजल की समस्या को दुरुस्त करने हेतु मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त समेत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से की अहम बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। शहर में नहीं थम रहा है कोरोना मरीजों का ग्राफ, शनिवार को हुई कुल 27 मरीजों की पुष्टि, संख्या बढ़कर हुई 79। और हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत पत्रकारों को किया सम्मानित। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।